सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 70 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 के अनुपात में है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो कह रहे हैं दो भाइयों की वर्तमान आयु कितनी है, 1 और 2 है, 1:2 है। दोनों भाइयों की आयु का अनुपात ना यहाँ पे देखिए रेशियो में है ना, तो हम एक्स मान सकते हैं ना, एक्स हो जाएगा, फिर ये 2x होगा। फिर ये कह रहे हैं 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले कह रहे हैं ना, तो पहले तो इसे हम बटे में लिखते हैं क्योंकि ये रेशियो में है, तो ये x बटे 2x। हाँ, फिर ये कह रहे हैं 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है, 5 साल पहले कह रहे हैं ना, -5 -5, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 3 होगा। यहाँ से देखिए 5 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, दोनों संख्या का अंतर लेंगे, कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, इनटू दोनों संख्याएं सेम है ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे इक्वल टू 1 का गुणा इधर कराएंगे, 3 का गुणा इधर, तो यहाँ पे 3x होगा और ये 2x होगा, तो 3 में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 1x आएगा, x इक्वल टू कितना, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। तो दोनों भाइयों का अनुपात कितना था, आयु का अनुपात 10 = 10 × 20। तो ये कह रहे हैं 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें, 5 साल बाद कह रहे हैं ना, तो 10 में 5 जोड़ेंगे रेशियो, और दूसरे भाई की आयु कितनी आई है, 20 आई है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 इसी में जोड़ेंगे, तो 10 5 15 = 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 5 3 = 15 5 5 = 25, तो रेशियो कितना आया, 3 और 5 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुनीत की वर्तमान आयु बतानी है ना, देखते हैं, दिए हैं पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु 2 और 3 है ना, रेशियो में है, तो हम x मान सकते हैं, तो यहाँ पे 2x होगा, 3x होगा ना। फिर ये कह रहे हैं 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 साल बाद कह रहे हैं ना, तो प्लस 3 करेंगे, यहाँ भी प्लस 3 करेंगे, तो कितना हो जाता है, 3 और 4 हो जाता है, 3 और 4, तो यहाँ देखिए 3 3 सेम है ना, तो दोनों संख्या का यहाँ से हम अंतर 1 आएगा, इंटू देखिए यहाँ पे 3 3 सेम है ना, 3 को ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9 आएगा, 9x, 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8x आएगा ना, फिर इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 1x आएगा, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू इसी में रखेंगे। पुनीत की आयु कितनी थी, 2x थी, और अप्पू की आयु 3x थी, तो ये हो जाएगा 3 × 6, अप्पू की 3 × 9, तो ये कह रहे हैं पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुनीत की वर्तमान आयु कितनी आई है, 6 आई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 8:9 है, और दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है, यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या बतानी है ना, देखते हैं, दिए हैं 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिए हैं,
आठ और नौ का अनुपात दिए हैं, आठ और नौ। फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात तीन चार दिए हैं, दूसरी और तीसरी का अनुपात तीन अनुपात चार दिए हैं, तो तीन बटे चार हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से सबका रेशियो निकालेंगे, पहली संख्या रेशियो, दूसरी संख्या रेशियो, तीसरी संख्या। कैसे निकालेंगे? जेड बना के निकालेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो आठ त्रिक चौबीस पहली संख्या के नीचे लिखेंगे रेशियो, फिर दूसरी संख्या तीन और नौ का गुणा कराएंगे, तो नौ त्रिक सत्ताईस रेशियो, नौ चौ छत्तीस, तो तीन, तीन सब में कॉमन मिल रहा है ना, तीन वठ चौबीस, तीन नवा सत्ताईस, तीन इक्के तीन, तीन दूनी छः, तो तीनों संख्याओं का रेशियो कितना आया, आठ नौ और बारह का आया। फिर ये कह रहे हैं पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, यहाँ पे देखिए रेशियो में आया है ना, तो हम x मान सकते हैं ना, x x और x, तो ये कह रहे हैं पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे, आठ एक्स गुणे बारह एक्स इक्वल टू किसके बराबर, चौबीस सौ के बराबर, चौबीस सौ, तो आठ इक्के आठ, आठ त्रिक चौबीस, तीन चौक बारह, तीन दहा में तीस, पच्चीस आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, पच्चीस आया, एक्स इक्वल टू पाँच हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पाँच हुआ। तो ये कह रहे हैं तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या बतानी है ना, तो दूसरी संख्या कितनी है, नौ एक्स है ना, तो नौ एक्स, एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे, पाँच रखेंगे, तो नौ पचे पैंतालीस, दूसरी संख्या कितनी आई, पैंतालीस आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात दो अनुपात तीन है, यदि पहली से दो घटाया जाए और दूसरी में दो जोड़ा जाए तो अनुपात एक अनुपात दो हो जाता है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का योग बताना है ना, देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या दी गई है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दो और तीन, दोनों का अनुपात कितना है, दो और तीन का अनुपात है, तो यहाँ पे देखिए रेशियो में है ना, तो हम x मान सकते हैं, फिर इसे बटे में भी लिख सकते हैं, 2x बाई 3x। फिर ये कह रहे हैं पहली संख्या से दो घटाया जाए, तो पहली संख्या 2x ही तो है, तो इसमें से दो घटाएंगे, माइनस करेंगे। फिर कह रहे हैं दूसरी संख्या में दो जोड़ा जाए, तो दूसरी संख्या में दो जोड़ेंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा, एक और दो का होगा, एक बटे दो होगा। तो यहाँ पे देखिए दो दो सेम है ना, तो यहाँ से दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, एक और दो का, एक का अंतर आएगा, इंटू दो दो सेम है, दो को ऐसे लिखेंगे इक्वल टू दो दूना चार एक्स, तीन इक्के तीन एक्स, तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, एक्स इक्वल टू कितना आया, टू आया। फिर ये कह रहे हैं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग, दो संख्या यही तो है, दो एक्स और तीन एक्स, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पाँच एक्स आएगा, और यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितना, दो रखेंगे, पाँच दूना दस, दोनों संख्याओं का योग कितना आया, दस आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ तीन संख्याएं एक अनुपात दो अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात तीन बटे चार, तीन बटे चार के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात छत्तीस है तो संख्याएं क्या कीजिए, संख्याएं निकालनी है ना, तो यहाँ पे बटे में दिया गया है ना, पहले तो इसे हम पूर्ण संख्या में चेंज करेंगे, एक बटे दो तीन संख्याएं हैं, पहली है एक बटे दो, फिर दूसरी है दो बटे तीन, तीसरी संख्या है तीन बटे चार।
अब देखिए, दो तीन चार का अगर हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 से यहाँ गुणा कराएंगे, 12 से यहाँ और 12 से यहाँ गुणा कराएंगे। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6 2 4 8 3 3 9 होगा। और रेशियो में है ना एक्स 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 मान सकते हैं, तो पहली संख्या 6x आई, दूसरी संख्या 8x, तीसरी संख्या 9x आई। फिर ये कह रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी संख्या 9x है ना, सबसे छोटी 6 है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3x इक्वल टू दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिए हैं, 36 दिए हैं ना, तो 3 1 3 3 1 3 3 2 6 x इक्वल टू 12 आया। फिर ये कह रहे हैं तो संख्याएं बताइए, सबको सब में हम x की वैल्यू रखेंगे, 6x है ना, तो 6 × 12, 12 6 72, रेशियो 12 8 96, रेशियो 12 9 108, तो तीनों का रेशियो कितना आया, 72 96 और 108 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है और 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, तो शुरुआत में कुल छात्रों की संख्या बतानी है ना। दिए हैं यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2, 3 और 5 दिए हैं, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, तो कह रहे हैं 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, ये छात्रों का अनुपात है ना, एक्स 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 मानेंगे, रेशियो में है। फिर कह रहे हैं और 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है, 20 छात्रों को, तो इसमें भी 20 की वृद्धि होगी, इसमें भी और इसमें भी 20 की वृद्धि होगी, तो इसे हम बटे में लिखेंगे, यहाँ से केवल दो संख्या लेंगे, तो 2x / 3x, तो कह रहे हैं प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होती है, प्लस 20, तो रेशियो कितना हो जाता है, 5 4 5 और 7 हो जाता है, 4 5 और 7 हो जाता है, तो यहाँ से हम दो संख्या लिए हैं, तो यहाँ से भी हम दो संख्या लेंगे ना, तो 4/5 लेंगे। यहाँ पे देखिए 20 20 सेम है ना, दोनों का अंतर 1 × ये वाला 20 = 4 3 12x, 5 2 10x, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 10 और 12 का 2 का अंतर आएगा, 2x, 2 1 2, 2 10 20, x = 10 आया। तो ये कह रहे हैं शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 5 ये हैं, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10x, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 10 × 100, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, 100 छात्र थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, दूध का 1/3 भाग निकाल कर उतना ही पानी डाला जाता है, यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए, तो दूध और पानी का अनुपात बताना है ना। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, 81 लीटर है, प्रारंभ में दूध की मात्रा 81 लीटर है, दूध की मात्रा ना, तो फिर ये कह रहे हैं दूध का 1/3 भाग निकाल कर, तो फिर हम दूध की मात्रा निकालेंगे, तो प्रारंभिक 1 - निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक पावर कितना हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है, एक बार तो 1/3 भाग निकाला ही गया था, फिर दोबारा निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे पावर 2 करेंगे ना,
यहाँ पे देखिए कह रहे हैं दूध का 1/3 भाग निकाला जाता है, तो दूध क्या है 81 है ना, दूध 81 लीटर है, इसी का 1/3 भाग निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 27 आ गई ना। तो कह रहे हैं निकाली गई मात्रा 27 हो जाएगी, बटे प्रारंभिक कितना है 81 है, 81, 27 × 1 = 27 या 81, तो कुल मिला के यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं ना, रखेंगे। प्रारंभ में कितने लीटर दूध था 81, गुणे यहाँ पे रखेंगे 1 − 1/3 की घात 2 रखेंगे, 3 × 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 आएगा, 81 गुणे 2/3 पावर 2, तो यहाँ से पावर 2 है ना, तो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 होगा, तो 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81 होगा, 9 × 4 = 36 लीटर। तो अब कितना दूध बचा है 36 लीटर बचा है, तो पानी कितना होगा 81 में से 36 घटाएंगे, दूध रेशियो पानी, तो दूध 36 लीटर है, पानी कितना होगा 81, 81 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और 3 = 35 आएगा ना, 35 नहीं 45 होगा, 45 आ गया, तो दूध और पानी की मात्रा कितनी आई 36 और 45, तो 9 से ये कट भी जाएगा, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, तो 4 और 5 का रेशियो आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, यदि अनुपात को 2:1 करना है तो कितने लीटर पानी डाला जाए, तो पानी मिलाया जा रहा है ना, दूध की मात्रा तो सेम ही होगी, दूध इक्वल टू दूध, पानी मिलाने के पहले दूध की मात्रा और पानी मिलाने के बाद दूध की मात्रा बराबर रहेगी। तो दिए हैं 80 लीटर का मिश्रण है, 80 गुणे कितना 7 और 3 का रेशियो दिए हैं, 7:3 का रेशियो दिए है ना, 7 दूध है 3 पानी है, तो 7 को ऊपर रखेंगे बटे में कुल, तो 10 होगा, इक्वल टू 80, 80 को तो लिखेंगे ही, तो कह रहे कितना लीटर पानी मिला दें, तो मान लीजिए एक्स लीटर पानी मिला देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 लिखेंगे, तो 10 × 1 = 10, 10 × 8 = 80, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 होगा, तो 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84, 84 = 80 + x होगा, तो 80 को इधर लेके आएंगे माइनस में होगा, तो x = कितना आएगा 4 आएगा, 4 लीटर पानी की मात्रा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनका खर्च 3:2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है, ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, ए की वार्षिक आय बतानी है ना, देखते हैं, तो ए और बी की आय कितनी है, ए और बी की आय 4 और 3 है, ए रेशियो बी 4:3 आय हो गई ना, फिर खर्च दिए हैं 3 और 2 दिए हैं, खर्च ए 3 रुपया खर्च कर रहा है, बी 2 रुपया खर्चा कर रहा है, तो आय में से खर्चा घटाते हैं तो क्या आता है, बचत आती है, तो बचत इक्वल टू 1:1, लेकिन वो कितना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रत्येक, यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करते हैं, तो 600 रुपये की प्रत्येक बचत कर रहे हैं ना ए भी और बी भी, तो इसमें हम 600 से गुणा कराएंगे, तो ये पूछ रहे हैं, हाँ कह रहे हैं ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए,
ए की वार्षिक आय ना कितनी है? 4 है। तो इसमें भी तो 6 से हम गुणा कराएंगे, तो 6 चौक 24, 100। ए की आय कितनी आई? 2400 आई। और बी की पूछे होते तो 6 600 का गुणा हम 3 में कराते। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 2600 रुपया और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो दोनों की आय बतानी है ना। देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं यदि दो व्यक्तियों की आय 5 और 3 है, 5 और 3 है, क्या है आय? फिर और खर्च दिए हैं 9:5 दिए हैं, 9 और 5 दिए हैं, खर्च दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपये की बचत करते हैं, 2600 और 1800 रुपये की बचत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम आय में से, ये क्या है? बचत है। आय में से बचत माइनस करते हैं तो क्या आता है? खर्च ही तो आता है, माइनस करते हैं। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स मानेंगे तो 5x/3x, ए की आय हो गई और ये बी की आय हो गई। कितना माइनस करेंगे? बचत 2600 माइनस, फिर दूसरा दूसरा व्यक्ति कितना बचा रहा है? 1800 रुपया माइनस 1800, तो खर्चा कितना आएगा? 9:5 का अनुपात आएगा, 9/5 होगा ना। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 3 27x माइनस, तो ये हो जाए 18 9 162, 2 0 रहेगा, इक्वल टू 25x। 26 का गुणा 25 में कराएंगे तो 20 5 100, 6 5 30, 130 आएगा। और 2 0 तो रहेगा ही ना, तो 2 0 तो 27, 27 ये है, 25 ये है, तो इधर लेके आएंगे माइनस होगा, तो 27 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा, इक्वल टू 162। 162 उधर लेके जाएंगे तो 130 घटेगा 162 में से, तो कितना आएगा? 0 0 2 3, 3200 रुपया आएगा। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 6 12, एक्स इक्वल टू कितना आया? 1600 आया। लेकिन ये कह रहे हैं तो उनकी आय ज्ञात करिए, तो आय बतानी है ना दोनों व्यक्ति की। आय कितनी है? एक व्यक्ति की 5x है, दूसरे व्यक्ति की 3x है, तो इसी में x की वैल्यू रखेंगे तो 16 5 80, 8000 होगा ए की आय। फिर बी की आय 16 3 4800, 4800 रुपया बी की आय आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका खर्च उनके खर्च का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। आय बतानी है ना। देखते हैं, वो भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो दिए हैं दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 है, 2 2 और 3 है, आय है, आय है, तो हम एक्स और एक्स मानेंगे, रेशियो में है। फिर ये कह रहे हैं यदि उनका खर्च 5 और 9 है, खर्च दिए हैं 5 और 9 का अनुपात दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करते हैं, प्रत्येक 600 रुपये की क्या कर रहे हैं? बचत कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, आय आय में से अगर हम बचत घटाएंगे तो खर्चा आएगा, घटाते हैं तो 2x/3x प्लस, बचत कर रहे हैं ना 600 रुपया, तो माइनस करेंगे
600 माइनस 600 इक्वल टू कितना? आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा, कितना खर्च है? 5 और 9 है, 5/9, दोनों का अंतर 4, दोनों में क्या मिल रहा है? 600 मिल रहा है, इक्वल टू 5 × 15x, 9 × 2 = 18x। तो 18 और 15 में कितने का अंतर आ रहा है? 3x का अंतर आ रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, एक्स इक्वल टू 4 × 2 = 800 रुपया। क्या बताना है? आय बताना है ना, तो कह रहे हैं उनकी आय ज्ञात कीजिए, आय बतानी है। तो दोनों व्यक्ति की आय कितनी है? 2x और 3x है ना, 8 × 2 = 1600, रेशियो 8 × 3 = 2400। दोनों व्यक्ति की आय कितनी आई? 1600 और 2400 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 68,000 रुपये को 1/2 / 1/4 / 5/16 के अनुपात में विभाजित किया गया तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताइए। तो देखते हैं कुल कितनी राशि है, 68,000 है कह रहे हैं। हाँ, तीनों का रेशियो दिए हैं, 1/2 / 1/4 / 5/16। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, 16 से यहाँ गुणा 16 से यहाँ और 16 से यहाँ, 2 × 8 = 16, 4 × 4 = 16, 16 से 16 कैंसिल होगा ना, कितना बचेगा? 8, 4 और 5 आया। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा, 17। लेकिन वो कुल कितनी राशि दिए हैं? 68,000 दिए हैं, कितना? 68,000 दिए हैं। और पूछ रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, सबसे छोटी 4 है। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारी कुल राशि कितनी आ रही है? 17 आ रही है, और वो कितना कह रहे हैं? 68,000। तो यहाँ भी तो 68,000 होनी चाहिए, तो 17 में हम कितने से गुणा कराएं कि 68,000 आ जाए? 4,000 से गुणा कराएंगे, गुणे 4,000। तो 4,000 से सब में गुणा कराएंगे, तो इसमें भी तो गुणा कराएंगे 4,000 से, 4,000, तो 4 × 4 = 16,000। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया? 16,000 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1 और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफ़र कर रहे यात्रियों का कुल 1:50 है। यदि एक विशेष दिन 1325 रुपये का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात करें। देखते हैं, दिए हैं, कह रहे पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1 दिए हैं, 3:1 दिए हैं, एक्स मानेंगे, ये क्या है? किराया दिए है ना, 3 है और 1 है, ये प्रथम श्रेणी है और ये द्वितीय श्रेणी है। फिर ये कह रहे हैं पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफ़र कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है, 1:50 है, ये यात्रियों की संख्या दिए हैं। यात्रियों की संख्या पहली श्रेणी में 1 लोग यात्रा कर रहे हैं और दूसरी श्रेणी में 50 लोग कर रहे हैं। तो सबको हम गुणा कराएंगे, 3 ये 1 ये, तो 3x + 50x हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं यदि एक विशेष दिन 1325 रुपये का कुल किराया वसूला गया, 1325 रुपये का कुल किराया वसूला गया, तो ये भी तो पैसा रुपया आया है, तो कुल 1325 के बराबर करेंगे, तो 50 में 3x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53x = 1325 हो जाएगा।
तो 53, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 आ जाए। 5 बार पढ़ेंगे, 5 और 2, 25 बार जाएगा। एक्स इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 25 आई। तो ये कह रहे हैं दूसरी श्रेणी में वसूल किया गया कुल किराया बताइए। दूसरी श्रेणी से कुल कितना पैसा वसूला गया था? 50 एक्स ना, तो इसी में हम एक्स की वैल्यू रखेंगे। 50 गुणे 25, 25 पंचे 125, 1250 रुपये आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू 1/2:4 है, तब अंडर रूट पी 5p² प्लस q² प्लस r² के बराबर है। तो देखते हैं, दिए हैं पी क्यू आर का रेशियो 1:2:4 दिए हैं। पी क्यू आर का रेशियो 1:2 और 4 दिए हैं ना, तो ये कह रहे हैं रूट 5p² प्लस q² प्लस r² किसके बराबर है। ठीक है, तो इसी में हम सबकी वैल्यू रखेंगे। p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 4 है। तो रखते हैं सबकी वैल्यू 5p² 5 × p² 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस कुल मिला के 5 होगा रूट में, प्लस q² की वैल्यू 4 है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस r² है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 × 4 = 16, तो 5 × 4 = 9, और ये 9 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो रूट के बाहर लेंगे 25 का वर्गमूल 5 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 + √2 और 12 − 32 का मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, इसे मध्यानुपात निकालना है ना, तो ये दिए हैं 3 + √2 रेशियो मध्य में मान लीजिए एक्स है, रेशियो कितना दिए हैं? फिर दिए हैं 12 − √32 कह रहे मध्यानुपाती बताइए, तो मध्य में कौन सी गिनती है? एक्स है ना, तो एक्स को तो हम 2 बार लिख सकते हैं ना, तो ये होगा 3 + √2 रेशियो एक्स समानुपात 12, फिर एक्स होगा, इसी दूसरी वाली संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो एक्स एक्स अनुपात 32 12 − √32 होगा ना। तो यहाँ पे देखिए अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर में कराते हैं, तो ये हो जाएगा x² = इन दोनों का गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा 3 + √2 × 12 − √32 होगा ना। तो कुल मिला के जब ये कहेंगे मध्यानुपात बताइए, तो x² = होता है AB, बस इतना ही जानिए, बाकी ये सब नहीं करना है आप लोगों को, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे थे। फिर तो x² = कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 36 प्लस 3√32 होगा ना, माइनस में होगा, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस 12√2 होगा, −√2 का गुणा 32 में कराएंगे तो कितना होगा? 32 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 64 होगा, और 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। x² = 36, 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा, −3, 32 है ना, 32, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 3 × 4√2, तो 4 3 12 होगा, 12√2, 12√2 प्लस 12√2, तो ये माइनस में है वो प्लस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 28 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 7, तो आ जाएगा 2 × 4, 2√7 आएगा, 2 × 4, 4 × 7